वो 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 एक समझना बहुत ही जरूरी है और एक्सपोर्ट्स जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स इसलिए अगर कंजम्पशन जहां हो रहा है वहां पे टैक्स की लायबिलिटी खड़ी होती है वहां पे टैक्स की इनकम होती है निकास में कंजम्पशन देश के बाहर होता है इसलिए एक्सपोर्टर्स विल बी टोटली फ्री फ्रॉम टैक्स बर्डन आयात में इम्पोर्ट में कंजम्पशन देश के अंदर होता है इसलिए वहाँ पे रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना है सेवा पे कस्टम ड्यूटी वगैरह जो भरेंगे गुड्स पे भरेंगे तो आज जो निकासकार को अलग अलग प्रकार के टैक्स जो उनको रिफंड नहीं मिलते हैं कोई भी हिसाब से क्रेडिट भी नहीं मिलती है जो ये चाहे तो डायरेक्टली भरते है या इनडायरेक्टली भरते हैं जीएसटी में वो अपनी सारी प्रोक्योरमेंट पे सिर्फ जीएसटी भरने के कारण वो जो भी निकास करेंगे वो निकास का उनको पूरा जी रिफंड मिलेगा कंप्लीट क्योंकि उनकी खरीदी पर चाहे वो ट्रेडर हो चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो डायरेक्ट एक्सपोर्टर हो मर्चेंट एक्सपोर्टर की कल्पना मेरे हिसाब से जीएसटी में अप्रस्तुत बन जाएगी देर इज नथिंग लाइक मर्चेंट एक्सपोर्टर क्योंकि जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है वो अल्टीमेटली ही इज अ डोमेस्टिक बायर तो ही विल ऑल्सो पे द टैक्स इज लाइक एनी अदर पर्सन डू दि एक्सपोर्ट एंड देन टेक द रिफंड सो मर्चेंट एक्सपोर्टर का पूरा कंसेप्ट शायद निकल जाएगा वो आई I मीन mean, वो संकल्पना अभी अप्रस्तुत बन जाएगी और उससे आगे टैक्स बेस्ड जीएसटी को मैं टेक्सप्लोजन कहता हूँ इट्स अ टेक्सप्लोजन इन मेकिंग क्योंकि एक वर्टिकल टैक्स बेस होरिजेंटल टैक्स बेस में परिवर्तित हो सकता है जीएसटी में होरिजेंटल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और, और टैक्स बेस इतना विस्तृत हो जाएगा कि बिकॉज ऑफ दैट अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स के ये बेस के विस्तृत होने के कारण सरकार की डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स की आमदनी में भी काफ़ी मुनाफा होगा क्योंकि आज जो लोग वेट या एक्साइज के बाहर रहने में कामयाब होते हैं सीधी तरह से या अलग तरीके से वो लोग स्वाभाविक इनकम टैक्स भी नहीं भरते हैं ये सारा जो समांतर जो अर्थतंत्र है हम उसको जो ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं वो जीएसटी में रिकॉर्ड पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आने के कारण उसको वो ज़्यादा आ जाएंगे सब रिकॉर्ड पे उसके कारण जो इनकम टैक्स में जो उनकी सरकार की आवक में जो वृद्धि होगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनकम टैक्स के दर भी आने वाले साल में सरकार कम कर सकती है और हो सकते हैं आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट हो जाए इनफैक्ट न्यूजीलैंड नेदरलैंड स्वीडन नॉर्वे वगैरह राष्ट्र ने जीएसटी को इसीलिए वेट को इसीलिए अपनाया क्योंकि वो अपने इनकम टैक्स के रेट कम करना चाहते थे एंड दिस बिकम्स पॉसिबल वंस द जी एस इज इंट्रोड्यूस तो ये एक बेसिक फिलिसफी के बाद हम आगे जीएसटी के अमुक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान को मैंने जैसे कहा कि सत्ता का विभाजन होने के कारण वो सत्ता के विभाजन वो पावर को कायम रखना है अब जीएसटी जो बेसिक है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक ही साथ में एक ही टैक्स बेस पे लगाना है जैसे जो दृष्टांत मैंने दिया कि सौ रुपये पे बारह परसेंट एक्साइज ड्यूटी और उसके पर एक पे वेट अब जी की जो कल्पना है वो जो सिद्धांत है वो जो कानून है उसमें सौ पे केंद्र सरकार को भी टैक्स लेना है सो ही सौ पे राज्य सरकार को भी टैक्स लेना है दोनों साथ में एक ही टैक्स बेस पे लगाएंगे तो उसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन में बंदारण में सुधार आवश्यकता था तो वो बंदारण में सुधार 2016, द कॉन्स्टिट्यूशन हंड्रेड एंड फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट टू में वो हमने कर लिया टोटली और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये सत्ता दे दी कि एक ही साथ में एक ही टैक्स बेस पे माल या सेवा या दोनों की सप्लाई पे वो साथ में कर लगाए दोनों तो वो एक सुधार दूसरी बात सी जी एस टी वगैरह के जो पावर है यू टी जी यूनियन टेरीटरी जी एस टी वगैरह पावर केंद्र सरकार को दिए गए सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आयात इम्पोर्ट जो भी होगा उसको डीम्ड इंटरस्टेट सेल सप्लाई माना गया है माल या सेवा जो हम फॉरेन से इम्पोर्ट करेंगे उसको कॉन्स्टिट्यूशनली डीम्ड स्टेटस दिया गया है इंटर स्टेट सप्लाई का और इंटरस्टेट सप्लाई होने के कारण जो इंटरस्टेट सप्लाई डोमेस्टिक राष्ट्र के अंदर जिसके पर आईजीएसटी लागू होना है इंटीग्रेटेड जीएसटी वो हमें इंपोर्ट पे भी लागू होगा जीएसटी के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट नहीं आएंगे क्या क्या सबको समाविष्ट कर लिया है सिर्फ कानूनन कॉन्स्टिट्यूशनली एक ही प्रोडक्ट को बाहर रखा गया है एंड देट इज अल्कोहलिक बेवरेजिज फॉर ह्यूमन कंजम्पन जिसके पर आज स्टेट एक्साइज है और वेट है राज्य सरकार एकदम अड़ी थी कि ये उनकी कैश कैशकाव है अल्कोहलिक बेवरेज वगैरह तो उनको वो जीएसटी में लेना नहीं था वो अपना वो इनकम का सोर्स छोड़ना नहीं चाहती थी उनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी जीएसटी के बाहर रखने थे लेकिन वो अल्टीमेटली uh, जीएसटी के अंदर है परंतु पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस क्रूड और एविएशन टर्बाइन फ्यूल ये पांच प्रोडक्ट पर जीएसटी इमिजिएटली लागू नहीं होगा जीएसटी काउंसिल जिस दिन नक्की करेगी उस दिन लागू होगा इट्स अ वेरी वेरी बेड कॉम्प्रोमाइज सेंटर हैज मेड विद द स्टेट्स वेरी बेड क्योंकि दिस प्रोडक्ट अल्टीमेटली आर द सोर्स ऑफ दिस फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी उसके ऊपर एक्साइज और वेट चालू रहेगा ऑयल कंपनीज जीएसटी की क्रेडिट नहीं ले पाएंगे और ये लोग जो खरीद करेंगे उसको एक्साइज ड्यूटी वेट की क्रेडिट नहीं मिलेगी विच कैन हैव अ वेरी टेलिंग इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बट ओके वो कंप्रोमाइज़ करना जरूरी हो गया था परंतु तो अल्कोहलिक बेवरेजेस आर फाइन अब और, और वो बाहर है उसके ऊपर स्टेट एक्साइज लगेगी बियर वोडका वाइन वगैरह तो ठीक है जो लोग ये प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं हाँ उनको शायद थोड़ा चिंता का विषय है बाकी किसी को उसके बारे में कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और वो जुड़े हुए उनको भी ज़्यादा चिंता होती नहीं है क्योंकि एक बार पब या बाहर से हम जब बाहर निकलते हैं वो तब उनको वो भी चिंता नहीं होती है कि बाहर मालिक ने उसके ऊपर ऑक्ट्रॉय लगाए या इनकम टैक्स लगाया तो ठीक है तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे टोबेको प्रोडक्ट्स जो है टोबेको प्रोडक्ट्स पे जीएसटी भी चालू रहेगा और एक्साइज ड्यूटी चालू रहेगी वेट नहीं रहेगा दोनों वो सीन प्रोडक्ट माना जाता है उसका कंजम्पन सोसाइटी के लिए हानिकारक माना जाता है तो उसके ऊपर डबल डबल टैक्स होते रहते वी नो दैट वी विल नॉट गो इन टू दैट सो और बाकी सारे प्रोडक्ट्स जी एस टी के अंतर्गत आ गए हैं ये उनके जो उनका जो स्कोप है ओवरऑल प्रोडक्ट्स का उसके सिवा जो इंटरस्टेट सप्लाई जो इंटरस्टेट का जो है वो आपको याद रखना है कि इम्पोर्ट्स को इंटरस्टेट का डीम्ड स्टेटस दिया गया है कौन से कर कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्ज्यूम हो जाएंगे समाविष्ट हो जाएंगे जो जीएसटी के लागू होने के बाद चालू नहीं रहेंगे सेंट्रल लेवल पे एक्साइज सर्विस टैक्स एडिशनल एक्साइज ड्यूटी टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल एक्ट एडिशनल एक्साइज ड्यूटी गुड्स ऑफ स्पेशल इंपोर्टेंस एक्ट से ये कृषि भारत से कृषि कल्याण से स्वच्छ भारत से बाकी सारे से तर्टीन प्रकार के सेस जीएसटी में जो अभी उन्होंने कानून में बदलाव किए वो सारे सेस निकल जाएंगे जीएसटी के आने के बाद इंपोर्ट पे सीवीडी निकल जाएगी इंपोर्ट पे एस निकल जाएगी दोनों स्टेट लेवल पे सीएसटी को मैं स्टेट लेवल कहता हूँ भले वो सेंट्रल रेजिस्लेशन है क्योंकि उसकी सारी अंकम आजकल राज्य को हो रही है जहाँ से माल की मूवमेंट शुरू होती है तो सी एस टी वी ए टी परचेज टैक्स लग्जरी टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट सीसी स्टेट सर्टचार्जिज एंट्री टैक्स एल बी टी ऑक्ट्रॉय ये सारे टैक्सी जी एस टी के आने के बाद अंदर समाविष्ट हो जाएंगे वो चालू नहीं रहेंगे कौन से टैक्स चालू रहेंगे जी एस टी आने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स स्टैम्प ड्यूटी प्रोफेशन टैक्स जो वो भी नॉमिनल है बट वो चालू रहेगा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रोड टैक्स पैसेंजर टैक्स टोल टैक्स ऐसे थोड़े बहुत जो टैक्सीज है वो चालू रहेंगे जी एस टी के आने के बाद ऑब्बियसली इम्पोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी चालू रहेगी नेशनल दी एंटी डंपिंग ड्यूटी सेफ गार्ड ड्यूटी वो भी चालू रहेगी जी एस टी के आने के बाद बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑब्वियसली इट विल कंटिन्यू बट बाकी सारे टैक्सीस जी एस टी आने के बाद वो उसको वहाँ पर देट इज़ द फाइनल यू नो करटन फॉर दोज टाइप ऑफ टैक्सीस पर्टिकुलरली एक्साइज सर्विस टैक्स वेट एंड सी जिन्होंने हमारे देश में पिछले कई सात ऑलमोस्ट सेवेंटी ईयर्स से कानून राज किया वो सारे दो महीने के दो शायद पंद्रह दिन के बाद या दो महीने के बाद उसको दे विल बी दी बड़ी डीप हिंदी हिंदी कब्रस्थान के जैसे उनका अंत आ जाएगा कायम के लिए तो अब यहाँ से ये बेसिक कल्पना के बाद समझ ये संकल्पना को आगे जाते हैं अभी हम जी के अलग अलग जो मेन पहलू है प्रोसीजरल है फंक्शनल है उसका किसी तरह से ये कानून के न्यूंसिस क्या है मेन उसके जी uh, आस्पेक्ट्स क्या है उसके बारे में सोचेंगे और इस वेरी मोमेंट नाउ आई एम वेरी कॉन्शियस मैं एकदम समान हूँ ये बात से कि नॉट इंटेंशनली बट कंपल्सरिली आई विल बी ओपनिंग अप द पेंडोरास बुक्स फॉर ऑल ऑफ यू पेंडोरास बॉक्स जिसको हम गुजराती महापड़े जिन्हें मुसीबतों ने दाबड़ों कही है इसे तो ये ये मुश्किलियों का एक बॉक्स आपके सामने मुझे खोलना ही है आई कांट हेल्प इट तो वो पेंडोरास बुक्स के बारे में अंत में थोड़ी बहुत बात करेंगे उसके साथ बहुत ही सुंदर ग्रीक दंतकथा जुड़ी हुई है पेंडोरा हम काफ़ी यूज़ करते हैं अपने बारे में डोंट ओपन पेंडोरास बॉक्स डोंट ओपन पेंडोरास बॉक्स बट उसके बारे में शायद बात करेंगे लास्ट में जी स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका हम वन नेशन वन टैक्स के बारे में सुनते आए हैं हमारे जैसे आ, अच्छे दिन आ रहे हैं जो हमारे जो हैमरिंग होती थी इस तरह से वन नेशन वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स इट इज़ वन टैक्स बट ओनली बाय नेम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन के कारण वी कैन नॉट हैव वन जीएसटी थ्रू आउट द कंट्री वी कैन नॉट हैव यूनिफाइड जी एस टी वी विल हैव ड्यूएल जी जिसको हम द्विस्तरीय जी कहते हैं उसके दो मुख्य अंग रहेंगे एक है सेंट्रल जी दूसरा स्टेट जी क्योंकि हमारा फेडरल रिपब्लिक है फेडरल रिपब्लिक में जैसे मैंने पहले कहा का और उसकी वजह ही वो थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सत्ता स्वतंत्र दी गई है कानून बनाने की तो वो सत्ता कायम रखनी है ना तो केंद्र सरकार अपनी सत्ता छोड़ देगी ना तो राज्य सरकार छोड़ना चाहेगी दोनों के बीच के संबंध क्या है वो तो हमें पता है देरानी जेठानी के बीच भी अच्छे संबंध होते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जिस प्रकार के संबंध है पर्टिकुलरली टू परसेंट सी एस टी एंड वन परसेंट सी एस टी में जो कॉम्पनसेशन में जो राज्य सरकार को जो अनुभव हुआ तो उन्होंने कह दिया हमें केंद्र पे कोई विश्वास नहीं है तो आप अगर जी एस टी के कारण भी जो रेवेन्यू लॉस होना है वो आप हमें पाँच साल तक अगर हंड्रेड परसेंट देने वाले हो तो आपके आपके शब्द को आपके वायदे पे हमें पूरा नाज है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में करिए उसको सो वी हैव ए सेपरेट एनेक्टमेंट जी एस टी कॉम्पनसेस टू स्टेट्स एक्ट टू थाउजेंड सेवेंटी जिसके जरिए कॉम्पनसेशन से पंद्रह परसेंट बारह परसेंट जो लागू हुआ है सिलेक्टेड प्रोडक्ट पर ये उसकी वजह है तो जी एस टी ड्यूअल स्ट्रक्चर रहेगा फेडरल स्ट्रक्चर है उसके दो मुख्य अंग ये रहेंगे तो दो उसके प्रोडक्ट तीसरा उसके साथ में जो बच्चा जुड़ेगा वो इंटीग्रेटेड जीएसटी सो स्टेट सो सेंट्रल जीएसटी स्टेट जीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी एस सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी आपको राज्य के अंतर्गत जो व्यवहार होंगे माल और सेवा के उसके पर लागू होंगे इंटीग्रेटेड जीएसटी जो होगा वो आपको राज्य व्यवहार पे सप्लाई पे लागू होंगे चाहे माल या सेवा उसके व्यवहार पे लागू होंगे इंटीग्रेटेड जीएसटी ये तीन उसके आगे द फोर्थ एलिमेंट दैट इज कॉम्पनसेसन सेस जो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट पे लागू हुआ है उसके पर कॉम्पनसेसन सेस जहाँ तक रेट का सवाल है चार केटगरीज कर दी गई है फाइव परसेंट ट्वेल्व परसेंट एटीन परसेंट एंड ट्वेंटी एट परसेंट मैक्सिमम फोर्टी परसेंट मैगजिमम फोर्टी परसेंट का उन्होंने पावर लेके रखा है कानून में ताकि हर बार अगर अट्ठाईस से चालीस ड्यूरिंग द ईयर भी करना हो तो हमें उनको वापस संसद में जाना ना पड़े कभी भी 28 का 30, 28 का 35, 28 का 40 कर सकते हैं बात हुई थी 28 की पावर ले लिए है 40 तक के और बट अभी लागू होगा 28 तक मैक्सिमम रेट तो पाँच जो है आइटम ऑफ मास कंजम्सन और सर्टेन बेसिक आइटम्स उसके ऊपर पाँच परसेंट कंसेशनल रेट है स्पेशल कैटेगरी प्रोडक्ट या सर्विस उसके ऊपर बारह स्टैंडर्ड रेट अठारह और जो लग्जरी आइटम्स है जो सीन आइटम्स है और ऐसी कोई जो भी आइटम है कॉस्मेटिक टॉयलेटरीज वगैरह उसके पर ट्वेंटी एट परसेंट बेवरेज़ वगैरह पे वहाँ पे ट्वेंटी एट परसेंट है दो और रेट लागू किए हैं दो स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए जो उसमें एक जो एक है डायमंड इंडस्ट्री जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन रफ डायमंड एंड थ्री परसेंट ऑन ज्वेलरी और बाकी डायमंड पे पॉलिश डायमंड वगैरह पे थ्री परसेंट जेम्स एंड ज्वेलरी पे तो ऑलरेडी छः रेट हो गए जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव थ्री फाइव ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी एट सर्विसेस के लिए चार रेट पाँच बारह अठारह और अट्ठाईस हमारा ये मानना था हम अपेक्षा करते थे कि सर्विसेज के लिए सिर्फ दो रेट रहेंगे बारह और अठारह पर समाव अदर दे हैव कंटिन्यूड विद द सेम टाइप ऑफ मेंटालिटी अगेन वी हैव फाइव ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी एट चार रेट सर्विसेज के लिए है तो हमने शुरुआत की थी एक राष्ट्र एक टैक्स तीन उसके दो पहलू दो मुख्य अंग तीसरा अतिरिक्त पहलू चार रेट पांचवा कंपनसेशन सेस और उसमें और छः सात सात तक आप पहुंच गए होंगे तो एक से सात तक आपको याद रखना है आगे क्या क्या एडिशन होगा वो देखेंगे हम टोटली दूसरी एक जो कल्पना है वो है एग्जमटेड एंड जीरो रेटेड ये दोनों संकल्पना समझ लीजिए जो दोनों में अंतिम जो सप्लाई है माल या सेवा की उसके पर व्यक्ति को व्यापारी को उत्पादक को सेवा सर्विस प्रोवाइडर को टैक्स नहीं देना है चाहे वो एक्सपोर्टेड हो चाहे जीरो रेटेड हो दोनों में मुख्य फ़र्क ये है जहाँ पे जो भी एक्टिविटी एग्जम्प्टेड होती है वो एक्टिविटी में वो व्यक्ति ने वो व्यापारी ने अपने आगे जो भी जीएसटी भरा हुआ है अपनी खरीदी पे वो उनको रिफंड या क्रेडिट नहीं मिलती है जब एक्जम्पन होता है बट अगर वो जीरो रेटेड होता है तो उनको पूरा जीएसटी अपनी खरीदी पे प्रोक्यूरमेंट पे जो भरा है उसका टोटल रिफंड मिलता है सो so, निकासकार को पूरा रिफंड मिलता है अगर एग्जम्पटेड हुआ तो उसको रिफंड नहीं मिलता है वो उसकी कोस्ट का भाग बन जाता है टोटली क्यों नहीं क्योंकि जीएसटी के जो बेसिक फिलिसोफी है जहाँ से शुरुआत की थी मैंने कास्केटिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन टैक्स तो जब मेरी आइटम पे या मेरी सेवा पे मेरी सप्लाई पे अगर टैक्स ही नहीं है तो स्वाभाविक है मैंने जो टैक्स भरे हुए हैं जीएसटी के फॉर्म पे उसकी मुझे क्रेडिट नहीं दी जाए रिफंड भी ना मिले बट जीरो रेटेड जो है जीरो रेटेड इज अ स्पेसिफिक फैसिलिटी गिवन क्योंकि वो एक्सपोर्टर्स को क्यों क्योंकि वो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्वीकृत सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी राष्ट्र की कोई भी व्यक्ति जब वो प्रोडक्ट या सेवा की जब निकास करता है तब उसको स्थानिक कर को निकास करने का उसके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए ही शुड नॉट बी कंपेयर टू एक्सपोर्ट द डोमेस्टिक टैक्स मेन एक्सपोर्टिंग द गुड्स एंड सर्विसेज तो इसी सिद्धांत के अनुसार एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड और कंप्लीट रिफंड विल बी गिवन टू द एक्सपोर्टर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन वट एवर कैपेसिटी अंडर जीएसटी बट एग्जम्पन में आप टैक्स नहीं भरेंगे क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी और इसलिए मैंने कहा कि एग्जम्सन इज मच मोर हार्मफुल एक्चुअली रेट टैक्स होना चाहिए तो ही फायदा है एग्जम्सन से फायदा नहीं है क्योंकि वहां पर क्रेडिट की श्रृंखला का भंग होता है और वह टैक्स बन जाता है अ वेरी जर्मन इंटरनेशनल एक्सपर्ट आई कांट प्रोनाउंसिस ने बट उसने कहा है अंग्रेजी में ही कहूँगा मैं समझ जाएंगे आप उसने एक कल्पना को बहुत ही अच्छी तरह से थोड़े शब्दों में कह दी है कि वी ए टी वेट इज अ पैराडॉक्स

बट फिर वैल्यू एडिशन पे भर रहा है वो जो वसूल करके गवर्नमेंट को दे रहा है तो ये इसकी एक बेसिक फिलोसॉफी है तो एग्जमटेड एंड जीरो रेटेड जीरो रेटेड मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक्सपोर्ट्स को जीरो रेटेड कहा जाए सरकार को पावर है वो डोमेस्टिक कोई भी सेक्टर को भी जीरो रेटेड डिक्लेयर कर सकती है और सारे टैक्स को रिफंड दे सकती है जैसे यूके में एग्रीकल्चरल क्षेत्र को कृषि क्षेत्र को जीरो रेटेड घोषित किया गया है तो विदिन यू के भी जो व्यवहार होते हैं कृषि क्षेत्र के तो उसमें उनको पूरी क्रेडिट मिल जाती है वेट की रिफंड मिल जाता है ये उसका एक ये बेसिक स्ट्रक्चर है कमिंग टू नाउ टैक्सेबल इवेंट कर पात्र घटना जीएसटी में क्या है आज एक्साइज ड्यूटी के लिए कर पात्र घटना क्या है उत्पादन सेक्शन टू एफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट नाइनटीन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर एक्साइज इज लेवी ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ द एक्साइजेबल गुड्स सेक्शन थ्री और तो ये कर पात्र घटना है सिल्टेक्स या वेट के लिए करपात्र घटना क्या है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हम जब माल बेचते हैं उसका टाइटल उसकी उसके जो अधिकार है उसके ऊपर हम पास ऑन कर देते हैं तब्दील कर देते हैं कंसिडरेशन के लिए दैट इज द लाइबिलिटी वेन द लाइबिलिटी ऑफ पेइंग द वेट और सिलटेक्स अराइज सर्विस टैक्स के लिए करपात्र घटना क्या है दैट इज प्रोविजन ऑफ टैक्सेबल सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन कोई भी कर पात्र सेवा अगर मैं देता हूं कंसिडरेशन के सामने तो मुझे सेवा सर्विस टैक्स भरना है ये तीनों कर पात्र घटना जिसने इतने सालों तक हम पे राज किया वो जीएसटी में अप्रस्तुत हो जाएगी क्योंकि जीएसटी में कर पात्र घटना इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस एवरीबडी इज सप्लायर इन द आईस ऑफ लो चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड हो मैं होलसेलर सेमी होलसेलर ये रिटेलर उनके लिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेड शब्द यूज करूंगा ज्यादातर या ट्रेडर यूज करूंगा उसमें सब आ गए तो ट्रेडर या डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड हो चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो जीएसटी के कानून की, की नज़र में सब सप्लायर्स है तो उसमें देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टाटा बिरला एंड एन ऑर्डिनरी मैन्युफैक्चरर एंड ऑर्डिनरी ट्रेडर एंड एन ऑर्डिनरी सर्विस प्रोवाइडर एवरीबडी इज सप्लायर इन देयर ओन राइट Of the product, of the goods and services in the. So, come 1st July or whatever date, we would have to start thinking ourselves, about ourselves that we are suppliers. I am not a manufacturer. I am not a retailer. I am not a wholesaler. I am not a service provider. I am not a chartered accountant. I am not a management consultant. I am a supplier, either of goods or of services. यह एक बेसिक कैरेक्टर चेंज है कानून के नज़र में जीएसटी के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को हमें सिर्फ अपने बारे में सप्लायर के नजर से सोचना है ताकि बहुत सारे कंसेप्ट आपके मन में क्लियर हो जाएंगे जब आप अपने आप के बारे में सप्लायर की वजह से ये सारी कर, जो मुश्किलियां है इसको मैन्युफैक्चर कहा जाए या ना कहा जाए मैं ये रिटेलर हूं उसमें क्या करूं मैं तो होलसेलर हूँ तो ये उसके साथ में अलग अलग आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल्स वो सारे अप्रस्तुत बन जाएंगे ये सारे कंसेप्ट इन रिलेवेंट हो जाएंगे जीएसटी में सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट वो सप्लाई को डिफाइन किया गया है सेक्शन सेवन सेंट्रल जीएसटी एक्ट में और वो उसके मुख्य पहलू समझ लीजिए सप्लाई हैज बीन डिफाइंड इन एन इंक्लूसिव मैनर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल डिस्पोजल रिमूवल बाटर एक्सचेंज रेंटिंग हायर लाइसेंस कैरिडॉन और एग्रीड टू बी कैरिड फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरस ऑफ बिजनेस इंक्लूसिव डेफिनेशन है समाविष्ट डेफिनेशन है ये कोई स्वयं पर्याप्त डेफिनेशन नहीं है तो इसमें जितनी भी एक्टिविटी का उल्लेख उसमें जो मेंशन किया गया है उससे भी अगर कोई एक्टिविटी में सप्लाई की अगर विशिष्टता मौजूद है तो वो भी कर की उसके करके व्याप में आ सकती है सेल डिस्पोजल बार्टर एक्सचेंज हायर कैरीडोन और एग्रीड टू बी कैरीडोन तो जो मैं कर रहा हूँ वो ही नहीं मैं अगर भविष्य में करने की अगर मैं वादा भी करता हूँ तो वो भी सप्लाई में आ जाएगी

सो तो, तो जो व्यक्ति करपात्र व्यक्ति जिसको हम बनाना जो उनको घोषित करते हैं वो उन्होंने यह व्यवहार धंधे का जो अपना किया है वो धंधे के लिए किया है धंधा की प्रवृत्व के दरमियान उसने किया हुआ है अगर वो खुद के पर्सनल यूज़ के लिए अगर है पर्सनल के लिए है तो फिर देन इट इज़ नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई एक एक दृष्टान क्या दिया हुआ है सी बी एस ई की थर्टी फर्स्ट मार्च की जी एस टी की गाइड में एफ ए क्यू है उसमें कि मान लो कोई व्यक्ति अपनी मर्सिडीज या पोर्शे कार उन्होंने आई मीन आई एम टेलिंग मर्सिडीज या फोरशे कार उसको अगर वो 40 लाख में बेचते हैं खुद की कार को सेकंड कार यूज कार को 20 लाख का एग्जाम्सन है उसने कार बेचा है सप्लाई है कंसिडरेशन भी मिला है बीस लाख का एग्जाम्सन है तो क्या बीस लाख के ऊपर उसको जी देना है उसके पर सी का आंसर है नहीं क्योंकि वो इंडिविजुअल अपनी खुद की यूज कार बेच रहा है ही इज नॉट एंगेज इन टू एनी बिजनेस एक्टिविटी ही सेलिंग हिज ओन कार विच हैज़ बीन यूज बाई हिम तो 20 साल के 20 लाख के ऊपर भी अगर उसकी कीमत उसको आ रही है फिर भी उसको जीएसटी देना नहीं है तो यहाँ पे इस तरह से ये डिस्टिंक्शन किया गया है बिजनेस एक्टिविटी एंड पर्सनल एक्टिविटी या पर्सनल यूज़ के कारण अब उन्होंने कार बेचने का दृष्टान दिया और भी दृष्टान दे सकते थे पता नहीं कार बेचने का दृष्टान क्यों दिया पता नहीं जी आने के बाद शायद सबको अपनी कार बेचनी पड़े ऐसा कोई उसमें संदेश तो बट ये एक उन्होंने एक समझ दी है गोइंग फॉरवर्ड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस कोई भी सेवा अगर आप आयात करते हो इम्पोर्ट करते हो जिसकी आप अगर कीमत चुकाते हो वो अपने पर्सनल यूज के लिए भी हो तो भी वो टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा और उसके पर जीएसटी देना होगा रिवर्स चार्ज में गूगल या और कोई भी इंटरनेट से हम जब कुछ भी गेम वगैरह या कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और क्रेडिट कार्ड थ्रू पेमेंट करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए भी तो कानूनन इसके पर जीएसटी देना होगा अब इसका अमल वो कैसे करेंगे मुझे पता नहीं है परंतु हमें देखना है ज़्यादातर हमें हमारे संतान इस बारे में काफ़ी एकदम एक माहिर होते हैं कुछ ना कुछ करते रहते हैं और महीने के अंत में जब क्रेडिट कार्ड का बिल हमारे पास आता है तब हमें पता होता है पता चलता है कि कुवर क्या कर रहे थे बट इसको ज़रा चौकन्ना रहना है वी आर एक्सपेक्टिंग कि करीब फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ तक शायद इसमें एग्जम्सन दिया जाएगा क्योंकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इस प्रकार के जो इंटेंजिबल के जो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के ये इसे वर्ल्ड ओवर हैड तो उसको लाना है आई एम अगेन रिपीटिंग इम्पोर्ट ऑफ सर्विस

कोई भी बिजनेस एसेट जिसके पर आपने क्रेडिट ले हो जिसके पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर ली हो और उसको अगर विदाउट कंसीडरेशन आप अगर परमानेंटली ट्रांसफर करते हो तो उसके पर जी भरना है उसकी वैल्यू आर्टिफिशियली डिसाइड करना है इस पर वैल्यूएशन रूल्स डिसाइड करना है और उसके पर जी देना है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ ए बिजनेस एसेट फॉर विदाउट कंसीडरेशन बट ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट इज टेकन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो उसमें कोई बिजनेस एसेट हो वो बिजनेस एसेट पे उन्होंने क्रेडिट ली हो और बाद में वो वो एसेट अगर आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर के अकाउंट में विदाउट कंसिडरेशन अगर ट्रांसफर करते हो कोई भी कारण से तो उसके पर जीएसटी देना होगा आपके जो भी बिजनेस एसेट में कोई भी प्रोडक्ट आपका कोई भी माल हो मान लो कि पार्टस हो स्पेयर पार्ट हो वो बिजनेस एसेट में आता है करंट एसेट्स में इन्वेंटरी में राइट आपने क्रेडिट ली है वो अगर आप फ्री दे रहे हो परमानेंटली उसके पर जीएसटी देना होगा सेकंड, एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन टू डिस्टिंग पर्सन और रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन डिस्टिंक पर्सन ये सारे डीम्ड कैसेट एक कृत्रिम तरह से इनको ये उसकी व्याख्या दी गई है उसका स्कोप दिया गया है दे, वो आर द डिस्टिंग पर्सन विच आर डीम्ड टू बी अंडर सेक्शन 25, एक ही राज्य के अंदर अगर दो व्यक्ति एक ही व्यक्ति के दो रजिस्ट्रेशन है एक ही राज्य के अंदर तो वो दोनों रजिस्ट्रेशन के बीच दोनों यूनिट के बीच का व्यवहार को डिस्टिंग पर्सन माना जाएगा जीएसटी पे करना होगा ये ये संभावना सिर्फ एक ही परिस्थिति में शक्य है होती है और जब व्यक्ति के अपने खुद के दो बिजनेस वर्टिकल हो एक ही राज्य के अंदर मान लो कि एक मैन्युफैक्चरिंग डिविजन दूसरा ट्रेडिंग केमिकल डिवीजन स्टील डिवीज़न तो बिजनेस वर्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उसमें उसकी संभावना पूरी समझ दी गई है सेगमेंटेशन प्रॉफिट जो हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में कहते हैं जो बैलेंस शीट में देना कंपलसरी है सेगमेंटेशन प्रॉफिट तो उसी कल्पना को यहाँ पे उन्होंने स्वीकार किया है तो ऐसे दो बिजनेस वर्टिकल जो एन के है उसको एक ये विकल्प दिया गया है कि एक ही राज्य में होने के पश्चात भी वो दोनों का वो दोनों रजिस्ट्रेशन अलग अलग ले सकते हैं ये वैकल्पिक है और अगर इस तरह से उसने दो बिजनेस वर्टिकल के दो रजिस्ट्रेशन लिए तो दोनों के बीच का व्यवहार को डिस्टिंग पर्सन के बीच का व्यवहार माना जाएगा जिसके पर उनको जीएसटी देना होगा इंट्रा यूज क्रेडिट नहीं हो पाएगी इस तरह से वरना एक राज्य में एक ही रजिस्ट्रेशन होगा एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा और एक ही लेने की आवश्यकता है दूसरी दो राज्य में अगर दो एस्टाब्लिशमेंट है एक ही व्यक्ति के तो वो दोनों इस्टैब्लिशमेंट को सेपरेट कम्पलसरीली रजिस्ट्रेशन अगर लेना है और इस तरह से अगर उसने रजिस्ट्रेशन लिया है तो वो दोनों इस्टाब्लिशमेंट बीच के व्यवहार को भी दो स्वतंत्र व्यक्ति के बीच का व्यवहार माना जाएगा उसके ऊपर जी देना होगा उसकी इमीजिएट असर है ब्रांच ट्रांसफ़र स्टॉक ट्रांसफ़र जो भी हम करते हैं आज उसके पर जी एस करना है आज जो आप फॉर्म एफ के सामने जो स्टॉक ट्रांसफ़र करते हो दूसरे राज्य में वो जीएसटी में संभव नहीं होगा तो जो भी राज्य से आप अगर ब्रांच से अगर माल की सप्लाई करना चाहते हो तो आपको वो राज्य में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है और वहां पे आपने एक बार स्टोक यार्ड या हाउस या ब्रांच खोल दी यहां से माल आपने ट्रांसफर किया मान लो कर्नाटका या गुजरात और वहां से आप आगे बेचना चाहते हो तो महाराष्ट्र से गुजरात माल ट्रांसफर करते वक्त आपको जीएसटी पे करना है उसके पर IGST के फॉर्म में दिस इज स्टेट सप्लाई फिर वो ब्रांच रिसीविंग ब्रांच विल टेक द क्रेडिट ऑफ आई जी एस टी एंड सारे फॉर्म्स निकल जाएंगे सी फॉर्म एफ फॉर्म जी फॉर्म एच फॉर्म ई वन फॉर्म ई टू फॉर्म सारे फॉर्म्स जीएसटी में रहेंगे नहीं बट ब्रांच ट्रांसफर विल कम तो आज जो एमआरपी बेस्ड प्रोडक्ट है दो कारण से लोग ब्रांच या स्टॉक ट्रांसफर करते हैं हमारे देश में एक तो एमआरपी एमआरपी एक मेंटेन करने के लिए क्योंकि अलग अलग राज्य में वेट के दर अलग अलग हो सकते हैं ओक्ट्रो एलबी का बर्डन भी अलग अलग हो सकता है दूसरा सी सी ये सी बचाने के दो जीएसटी में ये पूरी मार्केटिंग फिलोसॉफी आपकी चेंज हो जाएगी वेयरहाउसिंग पॉलिसी आपकी चेंज हो जाएगी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कंप्लीट चेंज हो जाएगी जीएसटी में क्योंकि अलग अलग राज्य में वेयरहाउस खोलने से अगर फायदा है कि नहीं वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कंज्यूमर इंडस्ट्री के लिए वाई कांट है वेर हाउस ओनली एट अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट फ्रॉम वेयर आई कैन कैटर टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंट्री और मेजर पार्ट ऑफ द जोग्राफी दैट इज द बिजनेस डिसीजन यहाँ पे दूसरी कि जो रिलेटेड पर्सन दो व्यक्ति रिलेटेड पर्सन की एक संभावना एक्साइज में है आज और कस्टम में भी है कस्टम की पूरी व्याख्या उन्होंने ली है काफ़ी टेक्निकल है मैं उसमें जाऊंगा नहीं रिलेटेड पर्सन इज़ अ कंसेप्ट कि अगर दो व्यक्ति के बीच का एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति से के साथ जो व्यवहार करता है जो सप्लाई करता है वो व्यक्ति अगर कानून रिलेटेड पर्सन है तो डिपार्टमेंट वो वैल्यू को उसको चुनौती दे सकता है उसको चैलेंज कर सकता है तो ये रिलेटेड पर्सन के कंसेप्ट में कि भाई आपने अंडर वैल्यूशन करके उसको माल बेचा है और वो आगे काफ़ी हाई प्राइस से बेच रहा है बट इट टू टेक्निकल फॉर द टाइमिंग यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलरली जब उन्होंने ये भी घोषित कर दिया है कि अगर रिसिपियंट पार्टी को फुल क्रेडिट मिलने वाली हो तो फिर ये रिलेटेड पर्सन का इश्यू हम बच में नहीं लाएंगे कानूनन सो इफ द पार्टी इज गोइंग टू टेक फुल क्रेडिट देन वेदर इज अ रिलेटेड पर्सन और नॉट इट विल नॉट मैटर तो मैं वहीं पर उसको इतना ही कहना जरूरी है बस आगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉ कोई भी कर्मचारी अपने मालिक को जो सेवा देता है वो सप्लाई है सेवा की सप्लाई है तो उसको उसको भी रिलेटेड पर्सन कहा गया है परंतु शेड्यूल थ्री में कर्मचारी मालिक को जो सेवा देता है उसको नॉन टैक्सेबल बिन करपात्र सेवा घोषित किया है मालिक सेवा जो देता है कर्मचारी को ज़्यादातर मालिक ही सेवा देते हैं कर्मचारी को तो उसके पर अभी कोई बात नहीं है इट्स डेंजरस इश्यू वी आर जस्ट वेटिंग क्योंकि सर्विस टैक्स में ये इश्यू लास्ट ईयर खड़ा हो चुका था देर आर सम प्रॉब्लम्स फॉर द टाइमिंग आई कैन अवॉइड एनी थिंग टॉकिंग अबाउट दैट फिलहाल ये समझ के चलिए कि मालिक और कर्मचारी के बीच के व्यवहार में दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं है खाली इतना कहा गया है वी आर टॉकिंग अबाउट शेड्यूल वन है जहाँ पे कंसीडरेशन नहीं है फिर भी कर 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 की भरने की जीएसटी भरने की जवाबदारी खड़ी होती है उसमें यह कहा गया है कि कोई भी मालिक अपने कर्मचारी को पचास हजार से ऊपर की अगर गिफ्ट देता है तो उसके ऊपर जी देना होगा इसकी प्रेरणा कहाँ से ली शायद मे भी सूरत हरे कृष्ण डायमंड जिन्होंने अपने मारुति वगैरह दिए थे गवर्नमेंट को कर लागू करने के लिए प्रेरणा कहीं से भी मिल जाती है तो अगर आप पचास हज़ार रुपये के ऊपर की गिफ्ट देते हो अपने कोई भी कर्मचारी को परफॉर्मेंस बोनस हो या कोई भी मेरा ये मानना ही है कि प्रोडक्ट के रूप में अगर ये गिफ्ट दिया हो तो ही लागू होता है जो बेनिफिट देते हो कोई भी सेवा कैंटीन सब्सिडी या टू एंड फ्रो सब्सिडी वगैरह तो ये इसमें ये लागू नहीं होता है और अगर गिफ्ट पचास हज़ार रुपये के नीचे है मान लो तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना है पर सरकार को देना है या तो क्रेडिट रिवर्स करना है या तो जीएसटी देना है टोटली तो दिवाली आ रही है अपने कोई कर्मचारी को अगर इस तरह से अगर आप उसका अभिवादन करना चाहते हो हाँ, तो बी केयरफुल टोटली तीसरी बात प्रिंसिपल एंड एजेंट प्रिंसिपल एंड एजेंट के व्यवहार को भी ये उनको कर पात्र कहा गया है कोई भी प्रिंसिपल अपने एजेंट को माल बेचता नहीं है और एजेंट जो प्रिंसिपल के लिए माल जो सप्लाई जो सप्लाई जो इंश्योर करता है जिसको इंडेंटिंग एजेंट का भी हम कहते हैं परचेस एजेंट कहते हैं तो वो भी माल खरीदता नहीं है ही इज़ डूइंग इट फॉर प्रिंसिपल या आज एजेंसी रिलेशनशिप है जीएसटी में प्रिंसिपल और एजेंट के व्यवहार को भी टैक्सेबल सप्लाई किया कहा गया है एवरी प्रिंसिपल वाइल सप्लाइंग द गुड्स टू द एजेंट विल हैव टू पे जीएसटी ऑन इट इफ वो माल खरीद रहा है सो so जहां पे कंसाइनमेंट एजेंट क्लियरिंग फॉरवर्ड एजेंट थ्रू जो माल जो धंधा जो होता है फार्मा इंडस्ट्री में केमिकल इंडस्ट्री में कंसाइनमेंट एजेंट तो आप अपने एजेंट को माल बिना जीएसटी पे किए हुए सप्लाई नहीं कर पाएंगे कंपलसरीली एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन लेना है उसकी क्रेडिट लेनी है और वो एजेंट को बाद में आगे माल बेचना है उसकी इनकम कमीशन ही रहेगी लेकिन जीएसटी के लिए दिस विल बी ट्रीटेड एज ए टैक्सेबल सप्लाई दिस कैन हैव मोस्ट आई मीन यूज इम्पेक्ट ऑन द एजेंसी बिजनेस क्योंकि अकाउंट और इनकम टैक्स के लिए वो एजेंट है जीएसटी के लिए वो लाइक एनी अदर इंडिपेंडेंट बायर है और ये कानून को को मैं इस तरह से प्रावधान समझता हूं कि जो लोग फिजिकली माल रिसीव या सप्लाई करते हैं एजेंट फिजिकली और बाद में आगे करते है उनको ही ये लागू होता है जो लोग सिर्फ कमीशन एजेंट या ब्रोकर का, का काम करते हैं विदाउट कमिंग इन फिजिकली हैंडलिंग द गुड्स फोन पे या धंधा जो लोग करते हैं तो वो लोगों को ये लागू नहीं होता है दे कैन कंटिन्यू टू डू एज अ कमीशन एजेंट ब्रोकर रेज देयर बिल फॉर कमीशन एजेंट और कमीशन और ब्रोकरे बीस लाख के ऊपर अगर हो तो वो अपना जीएसटी उसके ऊपर चार्ज कर सकते हैं ये सिर्फ जो फिजिकली हैंडल करके करते हैं ज़्यादातर कंसाइनमेंट एजेंट और कंसाइनमेंट एजेंट भी अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द सी सी के लिए हमने सब जगह खोल के रखे होते हैं तो ये वहाँ पे जरूर बदलाव अनिवार्य हो जाएगा तो और एक एस्टैब्लिशमेंट अगर इंडिया में है उसी कंपनी का दूसरा इस्टाब्लिशमेंट इंडिया के बाहर है या आज सर्विस टैक्स में है ट्रेडर कम्युनिटी को ये सब सारी बातें पता नहीं होती है सर्विस टैक्स में ये सब है कि ग्लेक्सो यूके ग्लेक्सो इंडिया दोनों के बीच के व्यवहार को भी जीएसटी में माना जाएगा कमिंग टू नाउ द रजिस्ट्रेशन पार्ट थ्रेश होल्ड जो है हम बीस लाख के बारे में बात की हम मानते हैं कि ये आप याद रखिए कि बीस लाख का एग्जम्पन नहीं है फ्रॉम टैक्स बीस लाख का रजिस्ट्रेशन में से मुक्ति दी गई है हर एक राज्य में बीस लाख की सप्लाई खाली जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह राज्य है वहाँ पे दस लाख का है तो और उसमें एग्रीगेट टर्नओवर जो गिनना है आपको बीस लाख के अंदर वो एग्रीगेट टर्नओवर ओवर बीस लाख की मर्यादा जो है वो बीस लाख की मर्यादा आपको जो गिनना है उसमें टैक्सेबल सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई एक्सपोर्ट्स आपकी पूरी वो सारे एवरीथिंग विल कम अंडर 20 लैख आज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर को वन एंड हाफ करोड़ में अपने को एक्सपोर्ट नहीं गिनना है ट्रेडिंग भी नहीं गिनना है सर्विस प्रोवाइडर को नॉन टैक्सेबल सर्विस नहीं गिनना है एक्सपोर्ट नहीं गिनना है ये 20 लाख की मर्यादा में आपकी सारी करपात्र सेवा बिन करपात्र सेवा एक्सपोर्ट्स ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग इंटरस्टेट स्टेट एवरीथिंग विल कम अंडर 20 लैख्स टोटल ये 20 लाख का जो थ्रेश है ये जो एग्जम्सन दिया गया है रजिस्ट्रेशन में से वो भी वैकल्पिक है ऑप्शनल है आप चाहे तो उसको फर्गो करके रजिस्ट्रेशन लेके टैक्स भरना शुरू कर सकते हो 20 लाख के एग्जम्सन ये कंपलसरी नहीं है इट इज़ ओनली ऑप्शनल टोटली लेकिन पूरा जीएसटी एस पैन बेस है एक व्यक्ति के जो पैन नंबर है उसी पैन नंबर के आधार पर उसको सारा Uh, सारे रजिस्ट्रेशन दिए जाएंगे एक राज्य में या एक से ज़्यादा अलग अलग राज्य में एक ही पैन नंबर एवरीथिंग इज़ पैन नंबर जिनके पास पैन नंबर नहीं है उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा और उसके लिए कोई ब्रीदिंग पीरियड भी नहीं है आज की तारीख में कि भाई आप तीन महीने के अंदर आपने पान के लिए अप्लाई किया है तो नहीं और जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको जी के क्रेडिट के, के और सारे फ़ायदे नहीं मिलेंगे जब तक वो रजिस्ट्रेशन में नहीं है और उसकी काफ़ी फाइनेंशियल इंपैक्ट हो सकती है मैं हमेशा कहता हूँ मेरे आर्टिकल में भी मैंने लिखा है हमें बुरा लगे या अच्छा लगे जीएसटी में जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो सरकार के प्यारे संतान जैसे है ब्लू आइट बेबीज ऑफ द गवर्नमेंट जी में जो रजिस्टर्ड नहीं है वो उनकी परिस्थिति अल्टीमेटली कोई अनाथ संतान की तरह हो जाए नहीं दे आर लाइक ऑर्फन चाइल्ड वो अनाथ हो जाएंगे सुनर और लेटर तो ये जो है रजिस्ट्रेशन थ्रेश के लिए कमिंग टू द कंपोजिशन स्कीम कंपोजिशन स्कीम ओरिजिनली इट वॉज फॉर फिफ्टी लेख्स नाउ आफ्टर इलेवन जून मीटिंग लास्ट संडे की मीटिंग के बाद उन्होंने उसको सेवेंटी फाइव कहा है जिन लोगों का प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्न ओवर सेवेंटी फाइव लेख के ऊपर नहीं है उनको जी एस टी में कंपोजिशन स्कीम में जाने का मौका दिया गया दैट दे कैन गो अब सेवेंटी फाइव लेख भी जो गिनना है वो 75 फाइव लेख टर्नओवर टर्न ओवर गिनना है और यहाँ पे इट्स अ वेरी वेरी बेड लेजिस्लेशन क्योंकि एग्रीगेट टर्न ओवर की डेफिनेशन जी में दी गई है और टर्न ओवर मुझे सिक्सटीन सेवनटीन का गिनना है क्योंकि माई प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज सिक्सटीन सेवनटीन अगर ये जुलाई से लागू होता है तो, तो जुलाई के बाद मुझे कंपोजिशन में जाना है मुझे पचहत्तर लाख का सोलह सत्रह का गिनना है सिक्सटीन सेवनटीन में कोई एग्रीगेट टर्नओवर की जो आज जो कंसेप्ट जीएसटी में है वो आज नहीं है बट जो भी है इट्स अ वेरी वेरी बेड वे ऑफ डूइंग द थिंग्स बट अल्टीमेटली वी हैव टू एक्सेप्ट आपका जो टर्न हुआ है एज अ व्यापारी एज अ मैन्युफैक्चरर कुछ भी वो आपको पचहत्तर लाख के नीचे है तो फर्स्ट जुलाई से अगर जीएसटी लागू होता है तो आप जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो अब कंपोजिशन स्कीम की कंडीशंस क्या क्या है सबसे पहली कंडीशन ये है कि कंपोजिशन में उनका फ़ायदा सिर्फ मैन्यूफैक्चरर्स ट्रेडर्स और रेस्टोरा सर्विस को दिया गया है बाकी कोई सर्विस प्रोवाइडर को कंपोजिशन का फ़ायदा नहीं है सिर्फ रेस्टोरा सिर्फ ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स। व्हाट इज़ द रेट ऑफ जीएसटी फॉर कंपोजीसन मैन्युफैक्चर के लिए दो परसेंट वन परसेंट सी जी एस टी वन परसेंट एस जी एस टी और व्यापारी के लिए वन परसेंट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट और रेस्टोरा के लिए फाइव परसेंट टू एंड हाफ परसेंट टू एंड हाफ परसेंट दिस इज द रेट फॉर कंपोजिशन टोटली व्यापारी के लिए वन परसेंट है जीरो पॉइंट फाइव परसेंट यहाँ पर हम ये समझ के चलते हैं कि मैंने जो शुरुआत में कहा सी जी एस टी और एस जी एस टी है जो दो उसके जो कंपोनेंट हैं वो ज़्यादातर 50 50-50 परसेंट रहेंगे सरकार उसमें बदल भी कर सकती है बट हम 50-50 रहेंगे इक्वल रहेंगे ये मान के चलेंगे तो 56 सिक्स परसेंट जी बारह परसेंट है तो 6 परसेंट सिक्स परसेंट सी जी एस टी एस जी एस टी अठारह परसेंट है तो 9 परसेंट नाइन परसेंट और ये जो 12 परसेंट या अठारह परसेंट है आई जी एस टी क्या रहेगा इंटीग्रेटेड जी एस टी है दोनों के टोटल होगा तो अगर अठारह परसेंट है तो सी जी एस टी एस जी एस टी नाइन परसेंट नाइन परसेंट आई जी एस टी विल बी एटीन परसेंट तो आज आप जो इंटरस्टेट सेल पे जो दो परसेंट सी एस टी भर रहे हो सी फॉर्म के सामने जीएसटी में आपको सीधा अठारह परसेंट भरना है अगर आप आज दो परसेंट भर रहे हो और आपके प्रोडक्ट पे अगर बारह परसेंट है तो इंटरस्टेट सप्लाई अंतरराज्य सप्लाई पे आपको बारह परसेंट भरना है आप जो खरीद कर रहे हो बार से ओ खरीद कर रहे हो आज आप दो परसेंट में खरीद कर रहे हो जीएसटी में आपको पाँच परसेंट या बारह परसेंट या अठारह परसेंट या ट्वेंटी एट परसेंट भी भरना होगा उसकी क्रेडिट मिलेगी आज सीएसटी क्रेडिटेबल नहीं है रिफंडेबल नहीं है जीएसटी में क्रेडिट मिलेगी बट एट अ हायर रेट यू हैव टू फर्स्ट मेक द पेमेंट और ये और बाकी सारे जो अलग अलग जो इश्यूज़ है उसके उसके कारण जीएसटी में छोटे से लेके बड़े व्यापारी उत्पादक जो भी हो उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी सबका कैश फ्लो उलट पुलट हो जाएगा जीएसटी में क्योंकि जो क्रेडिट भी मिलेगी वो क्रेडिट जब तक आपकी लायबिलिटी खड़ी नहीं होती है तब तक बुक्स में रहेगी एंड इमीडिएटली यू विल हैव टू आउट द मनी एवरी सिंगल पर्सन विल हैव एंड आई ऑलवेज द वन पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन अ स्लीपलेस नाइट्स इन जीएसटी विल बी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी सीओ को नींद बिगड़ जाएगी लेट मी टेल यू हेयर फ्रेंड्स जस्ट जीएसटी इज नॉट ओनली अ टैक्स रिफॉर्म जीएसटी इज आउट एंड आउट बिजनेस रिफॉर्म इट इज अ फंडामेंटल बिजनेस रिफॉर्म इट विल अफेक्ट एवरी आस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस नॉट ओनली कैश फ्लो दैट इज द फर्स्ट टू बी हिट परचेज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी वेयरहाउसिंग पॉलिसी लॉजिस्टिक मार्केटिंग आईटी ऑपरेशन बैकएंड एंड ऑपरेशन फ्रंट एंड ऑपरेशन एवरीथिंग विल गो अंडर कंप्लीट चेंज और विल हैव टू गो अंडर कंप्लीट चेंज इन जीएसटी हम इसको समझे या न समझे हम उसको स्वीकार करें या न स्वीकार करें इट इज अ फंडामेंटल द लाइफ विल नॉट बी द सेम अगेन फॉर एनीबडी इन दिस कंट्री वंस द जीएसटी इज इंट्रोड्यूस्ड

से परचेस किया हुआ कोई भी स्टॉक मटेरियल में होना नहीं चाहिए कोई भी स्टॉक में इंपोर्ट का मटेरियल स्टॉक में होना नहीं चाहिए उसकी कोई ब्रांच अगर राज्य के बाहर है तो वो ब्रांच से माल आया हुआ उनके पास नहीं होना चाहिए कोई भी एजेंट या प्रिंसिपल अगर उनका जो राज्य के बाहर है उनका एजेंट उनके पास से उसके पास वो माल स्टॉक में होना नहीं चाहिए इट्स एब्सोल्युटली एब्सर्ड कंडीशन स्टूपिड है बट वो डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल जो मैंने कहा था डेस्टिनेशन बेस उसको इतनी वहाँ तक एक स्ट्रेंज लेवल तक एप्सट लेवल तक लेके गए हैं कि ये सब आपका बाहर के राज्य का माल है यहाँ पे पड़ा है अब तो आप जीएसटी भरेंगे तो आप कंपोजिशन में जाएंगे तो यहाँ पे कंजम्पन हो रहा है तो ये राज्य को नुकसान होगा तो ये फिलोसूफी के कारण ये सारे उसके पर कंट्रोल है दूसरी बात जो लोग कंपोजिशन में जो जाना चाहते हैं यहाँ जहाँ से उनको कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई वो कर नहीं सकते हैं अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई उनकी एक भी है रुपये की तो कंपोजिशन का फायदा उनको नहीं मिलेगा कोई भी यू आर आउट ऑफ कंपोजिशन इफ यू है वन इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन आप अगर करते हो तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए कंपोजिशन नहीं है सिर्फ रेस्टोरा के लिए कंपोजिशन है अगर सरकार कोई नोटिफाई करे कोई घोषित करे कोई पर्टिकुलर गुड्स को अगर वो गुड्स का अगर आप सप्लाई करते हो तो तो वो भी कंपोजिशन का फायदा नहीं मिलेगा वी हैव टू वेट फॉर कि वीच गुड्स आर नोटिफाइड वीच कैन नॉट बी एक्चुअली एंटर्ड इनटू बाय द कंपोजिशन स्कीम उसमें तो उसको आपको फ़ायदा उसका नहीं मिलेगा जो कम्पोजिशन में है वो टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर सकेंगे और वो क्रेडिट भी नहीं ले पाएंगे एज ए ट्रेडर आप जब वन भरते हो तो वो वन परसेंट आप अपने बायर से कलेक्ट नहीं कर पाओगे यू मे हैव टू बिल्ट इट इनटू द प्राइस इफ यू कैन बट आप सेपरेटली वो टैक्स को वसूल नहीं कर पाओगे और आपने जो जीएसटी भर के जो माल खरीदा हुआ है रेगुलर कोर्स में उसका आपको उसकी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी सो so क्रेडिट भी नहीं मिलेगी और आप टैक्स वसूल भी नहीं कर पाओगे कंपोजिशन में उससे आगे जो लोग कंपोजिशन में है उनको अपने इनवॉइस पे क्लियरली लिखना है कंपोजिशन टैक्स डीलर टैक्सेबल पर्सन और रिमार्क है वो ठीक है मैं लूजली बताता हूँ आपको इनवॉइस पे बताना है कि आई एम ए कम्पोजिशन टैक्स पर्सन उसको अपने साइन बोर्ड या नोटिस पे भी लिखना है कंपोजिशन टैक्स डीलर वगैरह अब मुझे यह मत पूछिए कि दुकान नहीं है तो क्या मैं तो टेबल स्पेस से धंधा करता हूँ तो टेबल स्पेस पे आप नेम प्लेट लगा के ले कि आई एम ए कंपोजिशन डीलर सच्चे रिडिकुलस कंडीशन आई हैव नेवर कम अक्रॉस इन माय थर्टी इयर्स करियर दुकान या साइन बोर्ड पर लगाना है कंपोजिशन ताकि ग्राहक जो रास्ते से जा रहा है वो दुकान को पढ़े ऊपर पढ़े अच्छा ये कंपोजिशन वाले उसका मुझे दादर नहीं चढ़ना है अछूत है कंपोजिशन डीलर सच्चे एब्सोल्युटली वी कैन थिंक ऑफ सच टाइप ऑफ कंडीशन इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इट इज शॉकिंग सिर्फ यही बाकी रहा कि बीइंग ह्यूमन की तरह उनको जर्सी पहनाए और या फिर कपार उसके उसके फोर हेड पे उसको यहां पे भी एक पट्टी आई एम ए कंपोजिशन डीलर दीवार में जो हाथ पे मेरा बाप चोर है लाइक like. वॉट टाइप ऑफ कंडीशंस वी आर टॉकिंग अबाउट टोटली बट एनी वे दिस आर दी कंडीशन इनके संलग्न दूसरे दो तीन मुद्दे हैं मैं वो करूँगा बाद में बात तो ये मेजर कंडीशन है कमिंग टू रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म उसके पहले दो सप्लाई के दो और पहलू हम जो सप्लाई की ओरिजिनल बात कर रहे थे सप्लाई के और दो पहलू कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई इसको समझना जरूरी है आपके इंडस्ट्री के लिए सेक्टर के लिए कंपोजिट सप्लाई इज देट सप्लाई विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच आर नेचुरली बंडल टुगेदर एंड वन ऑफ विच इज़ अ प्रिंसिपल सप्लाई अंग्रेजी में है ज़्यादा मैं इसको डिटेल तो काफ़ी है मैंने इसका मेन पार्ट ही आपको कहा है ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है एक ऐसी सप्लाई है जिसमें दो या दो से ज़्यादा गुड्स या सेवा संलग्न है शामिल है समाविष्ट है दे आर नेचुरली बंडल टुगेदर बट उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है और उसका जो दृष्टांत दिया गया है कानूनन ये व्याख्या के अंतर्गत कंपोजिट सप्लाई में कानून लीगल एग्ज़ाम्पल है कि आप जब किसी को माल सप्लाई करते हो तो ये माल ज़्यादातर अगर आउटस्टेशन किसी को भेजना है तो या तो वो एफ होता है फ्री ऑन रोड होता है डोर डिलीवरी होता है या एक्स वर्ष होता है ताकि एक्स वर्ष होता है तो ट्रांसपोर्टेशन की जवाबदारी ग्राहक की रहती है डोर डिलीवरी होता है तो ट्रांसपोर्टेशन की जवाबदारी हमारी रहती है और वो ट्रांसपोर्टेशन बाद में पर ग्राहक हमें ये कहे कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ तुम वहाँ पे हो तुम ही ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करो तुम ही ट्रांज़िट इंश्योरेंस अरेंज करो तुम मेरे लिए इसके लिए स्पेशल पैकिंग करके दे दो मुझे ताकि मुझे वो माल अच्छी तरह से मिल जाए और उसके सारी कॉस्ट आप मुझसे वसूल कर लेना तो हम जब उसको इन्वॉइस में जब माल भेजते हैं तब माल की कीमत प्लस ट्रांसपोर्टेशन अलग फिर सर ये इंश्योरेंस अलग फिर पैकिंग भी अलग इस तरह से हम उसको भले उसमें प्रॉफिट हो या ना हो मार्कअप भी ना हो ये हम समझ के चले और हम उसे वसूल करते हैं अब ये ट्रांजेक्शन में माल भी है ये ट्रांजेक्शन में सेवाएँ भी है सेवाएँ में ट्रांसपोर्ट भी है इंश्योरेंस भी है और पैकिंग में है तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि इसमें मुझे गुड्स का जो जीएसटी रेट गुड्स को लगाना है और सेवा का जो रेट है इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट और वो वो लगाना है तीनों के रेट अलग अलग है तो वो लगाना है सबके साथ में लगाना है किस कर करना है तो बेसिकली जो समझाया गया है कि दिस इज़ अ कंपोजिट सप्लाई क्योंकि ग्राहक को तो माल चाहिए ग्राहक को वो ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस या पैकिंग की सेवा नहीं चाहिए वो तो उनके लिए इंसिडेंटल है वो ले रहा है ताकि वो कन्वीनियंटली एंड सेफली अपने माल को पा सके रिसीव कर सके सो बिकॉज ऑफ दैट ही इज अरेंजिंग बेसिकली दिस इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है वो माल की सप्लाई है ये प्रिंसिपल सप्लाई माल की सप्लाई होने के कारण ये कंपोजिट सप्लाई है जिसको कंप्लीट ट्रांजेक्शन को माल सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा इसलिए जो रेट जो लागू जो टैक्स भरना है वो गुड्स का जो रेट है वो रेट को ट्रांसपोर्ट पे भी भरना है इंश्योरेंस पे भी भरना है और पैकिंग पे भी भरना है आज जो सेलटेक्स में वेट में और एक्साइज में जो खड़े होते हैं झगड़े पोस्ट रिमूवल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्साइज टैक्सेबल वैल्यू एसेसेबल वैल्यू वेट में भी हैंडलिंग चार्जेस तो आप जिसको या चाहे कुरियर चार्जेस हो आप पोस्ट से चश्मा भेज रहे हो या कुछ भी भेज रहे हो और उसको वसूल कर रहे हो उसके पर जो गुड्स का आपका जो रेट है उसी रेट से आपको वसूल करना है फिर वो हैंडलिंग चार्जेस लोडिंग अनलोडिंग कार्टरेज हमाली ठीक है आपके आइटम में शायद ये सब नहीं होता है पर जो बल्क की बात कर रहा हूँ मैं जहाँ पे जो बड़ी आइटम होती है तो ये सब समझ के हमें चलना है कि इसके पर भी मुझे टैक्स गुड्स का ही भरना है उसमें प्योर एजेंट करके मैं अपने आप को करूँ वो झंझट में आप नहीं पढ़ पाएंगे देर इज ए देर इज अ प्रोविजन फॉर प्योर एजेंट क्या आई एक्ट एज अ प्योर एजेंट वाइल इनकरिंग दिस ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस करेक्ट ओनली दी एक्चुअली विदाउट एनी मार्कअप आई कलेक्ट द चार्जिस देन आई एम नॉट रिक्वायर टू चार्ज इट बट इट विल नॉट हेल्प एनी बडी इट्स अ वेरी कंपलसम प्रोसीजर वी हैव अ प्योर एजेंट कंसेप्ट अंडर रूल फाइव ऑफ सर्विस टैक्स वैल्यूएशन रूल्स जो जीएसटी में भी उन्होंने लागू किया हुआ है बट आई रियली वुडेंट एडवाइस दिस एंटायर ट्रांजेक्शन विल अट्रैक्ट द जी एस टी ऑन द टोटल वैल्यू एट अ गुड्स रेट ये समझ के हमें चलना है कमिंग टू मिक्स सप्लाई मिक्स सप्लाई यानी वो सप्लाई विच इन्वोल्व्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर अ लमसम कंसिडरेशन विच इज़ नॉट अ कंपोजिट सप्लाई उसमें भी दो या दो से अतिरिक्त ज़्यादा माल या सेवा उसमें समाविष्ट है उसका कंसिडरेशन एक ही पाया गया है एंड नन ऑफ देम इज़ अ प्रिंसिपल सप्लाई उसमें क्या दृष्टांत दिया गया है कि अगर कोई गिफ्ट पैक अगर आप बनाते हो और वो गिफ्ट पैक में कुकीज़ भी है केक्स भी है फ्रूट फ्रूट जूस भी है ड्राई फ्रूट भी है बिस्किट्स भी टॉफ़ीज भी है तो ये पाँचों आइटम वैसे इंडिविजुअल है पाँचों का वैसे कोई एक दूसरे से संबंध नहीं है तो ये पांचों आइटम को एक साथ में गिफ्ट पैक में कहा कि आपने पैक करवाया है दिवाली आ रही है और आपने उसका एक लमसम कंसिडरेशन दिया है हज़ार रुपया पाँच सौ रुपया पंद्रह सौ रुपया तो इसको मिक्स सप्लाई कहा जाएगा अब इसमें टैक्स किस तरह से भरना है तो ये पांचों आइटम में से जिसका सबसे ज़्यादा रेट हो वो पूरे वैल्यू पर लगाना है जिनकी इससे सरल नहीं हो सकती है लाइफ इज़ वेरी सिंपल तो इस तरह का गिफ्ट पैक दिवाली आ रही है अगर यह सब माहौल में गिफ्ट के बारे में अगर आप सोचने के लिए अगर सोचने जितने बहादुर भी अगर है और इस तरह का अगर आप कुछ सोच भी रहे हो तो गिफ्ट पैक बनवाने बनवाते समय थोड़ा ख्याल में रखिएगा क्योंकि उसमें अलग अलग आइटम पैक करते समय जो सबसे ज़्यादा रेट होगा वो पूरे वैल्यू पे आपको देना होगा टोटली तो ये मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई बेसिकली इट इज़ ए इंटरनेशनली आई मीन मच मच डिबेटेड कंसेप्ट काफ़ी इसमें पर लॉ डेवलप हुआ है आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट बट हाउस ऑफ लॉर्ड्स और यू यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के काफ़ी ब्यूटीफुल जजमेंट है व्हाट इज़ कम्पोजिट सप्लाई आप जब होटल में रहते हो बेड एंड ब्रेकफास्ट है वो आपका कंपोजिट सप्लाई है आप जब फ्लाइट में जाते हो जेट एयरवेज की फुल फेयर फ्लाइट में जाते हो जो मील्स आपको सर्व होता है वो कंपोजिट सप्लाई है सो so, एयर टिकट में सब कुछ आ जाता है मिल का आपको अलग जीएसटी नहीं है और और फ्लाइट का अलग जीएसटी नहीं है तो ये कंपोजिट सप्लाई है इस तरह से बट होटल में जाके आप जब अगर मिनी बार से कुछ लेते हो या बिजनेस सेंटर यूज़ करते हो या स्पा यूज़ करते हो तो वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं है वो ऑप्शनल है अब होटल इसका बिल कैसे बनाएगी वो एक दूसरी स्टोरी है तो, तो ये ये दोनों कंसेप्ट ध्यान रखना है क्योंकि ये कंसेप्ट आपको हर बार परेशान करेगा कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का कंसेप्ट खास करके कंपोजिट सप्लाई का बिकॉज दिस इज एवरी डे रूटीन यू विल कम अक्रॉस दैट कमिंग टू द अदर पार्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट जहाँ से मैंने शुरुआत की थी कास्केटिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट वो जी की बेसिकली लाइफलाइन है पूरा कानून उसके पर खड़ा है आज आप उसको सेट ऑफ करके जानते हो जो लोग एक्साइज या सर्विस टैक्स के फेमिलियर है वो उनको सेंडवेट क्रेडिट के रूप से जानते हैं सेंडवेट क्रेडिट टूल्स 2004 ये जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्लेटफॉर्म है मोरोलेस कानून उसके ऊपर बेस हुआ है काफ़ी सारे प्रोविजंस बट तीन चार इंपॉर्टेंट चीज़ें खास करके जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उनके लिए बहुत ही महत्व का है क्योंकि आज तक ट्रेडिंग कम्युनिटी ये सैनवेट क्रेडिट वगैरह प्रिंसिपल से टोटली बाहर थी आप एक्साइज ड्यूटी भी क्रेडिट नहीं ले सकते हो आप अगर फर्स्ट एड डीलर हो या सेकेंड स्टेड डीलर हो तो क्रेडिट पास ऑन करते हो बट यू आर नॉट टेकिंग क्रेडिट आप सर्विस टैक्स की भी क्रेडिट नहीं ले सकते हो वो आपके लिए कॉस्ट है जीएसटी में ये सब बदल जाएगा बिकॉज एवरी सप्लायर ऑफ द टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज प्रिंसिपली इज एंटाइटल फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन वॉट एवर जी ही पेज ऑन हिज प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवा हो एडवोकेट की सेवा रिवर्स चार्ज में हो या फिर ट्रांसपोर्ट की सेवा हो माल रॉ मटेरियल खरीदा हो पैकिंग मटेरियल खरीदा हुआ हो रिपेयर मेंटेनेंस ऑफिस का हो कुछ भी हो वो हर एक पे जो जीएसटी पेग होता है उसकी प्रिंसिपली सैद्धांतिक रूप से उसको क्रेडिट मिलती है जीएसटी में और इट इज़ वेरी ब्रॉडली यूज के इनपुट और सर्विसेज विच आर और कैपिटल गुड्स विच आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर प्रोवाइडिंग द टेक्सेबल सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरस ऑफ बिजनेस आप बिजनेस एक्टिविटी में शामिल हो आप कोई टैक्सेबल सप्लाई करो करना चाहते हो उसके लिए आप जो भी माल या सेवा खरीदोगे उसकी आपको जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी या करीना आप नया प्रोजेक्ट भी डाल रहे हो इंटेंडेड टू बी यूज तो वो प्रोजेक्ट डालते समय भी जो आप जो भी खरीद करोगे जो भी सेवाएं लोगे आर्किटेक्ट हो या चार्टर्ड इंजीनियर हो या रो मटेरियल हो सिविल कंस्ट्रक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ तो वो सारी सेवा का उसका भी जीएसटी उसकी भी जीएसटी की, की क्रेडिट आपको मिलेगी तो ये काफ़ी एक इंटेंडेड टू बी यूज वर्ड्स आर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एक्साइज और सर्विस टैक्स में कहीं पे भी वो यूज नहीं है वो है इन और इन रिलेशन टू द मैन्युफैक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट और फॉर प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विस तो एक बहुत बड़ा बदलाव है अन्य इंपॉर्टेंट थिंग है वो कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स की संकल्पना जो एक्साइज और सर्विस टैक्स में सबको पता है तो वो आज कैपिटल गुड्स की आज की जो संकल्पना है रूल टू ए में सेंड्रेड क्रेडिट रूल से उससे काफ़ी इसको विस्तृत और एक एकदम वेलकम फ्रेगमेटिक व्यवहारू रूप दिया गया है आज की कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन हमारे सेंडवेड क्रेडिट के कानून में चैप्टर और डिस्क्रिप्शन दिस, से उसका वर्णन अगर वो वर्णन को फिट होती है तो कैपिटल गुड्स वो चैप्टर हेडिंग में एच कोड में है तो कैपिटल गुड्स भले वो इनकम टैक्स के लिए कैपिटल गुड्स है लेकिन सेंडवेट के लिए कैपिटल गुड्स तभी जब वो व्याख्या के अंतर्गत हो ये रिस्ट्रिक्शन जीएसटी में हटाया गया है कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन है कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स मींस एनी गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जिसको कैपिटलाइज करोगे वो कैपिटल गुड्स है और उसको आपको फुल क्रेडिट मिलेगी आप अपने धंधे के लिए कंप्यूटर खरीदते हो कंप्यूटर पे आपने जीएसटी पे किया है उसकी फुल क्रेडिट आपको मिलेगी जीएसटी पोर्शन का आपको नहीं लेना है सेक्शन डेप्रिशिए जीएसटी में हंड्रेड परसेंट क्रेडिट आप जब खरीद करोगे तब आपको मिलेगी कानूनन नाइनटीन से कैपिटल गुड्स में सिर्फ फिफ्टी परसेंट क्रेडिट मिलती है दोनों में जीएसटी में हंड्रेड परसेंट क्रेडिट दिया गया है उसके साथ में दो अलग रिस्ट्रिक्शन है दैट आई विल कम टू रिलेटिंग टू कैपिटल गुड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट वन रिस्ट्रिक्शन बट इंपॉर्टेंट थिंग इज नाउ कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन और इनकम टैक्स में कैपिटल गुड्स के जो कन्सेप्ट है वो दोनों के बीच में काफी अभी सीनर्जी है एक सायुज्य जैसा हो गया है सो वॉट इज कैपिटल गुड्स प्रैक्टिकली नाउ फॉर इनकम टैक्स वुड भी कैपिटल गुड्स फॉर द जी एस टी ऑल्सो विच इज़ वेरी वेरी वेलकम चेंज वी वर वेटिंग फॉर दिस फॉर ट्वेंटी ईयर्स इट हैज़ नाउ मटेरियलाइज्ड द अदर इज़ अबाउट इनकम टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगी कब उसकी चार कंडीशन है जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी सप्लाई पे आप लेना चाहते हो माल हो या सेवा हो वो आपको मिली हुई हो यू शुड हैव रिसीव्ड दैट गुड्स और सर्विसिज़ वन यू शुड हैव रिसीव्ड द टैक्स इन और एनी अदर इनवॉइस एनी अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट सप्लाई टू थ्री जो सप्लाई पर आप क्रेडिट ले रहे हो वो सप्लाई पर आपके सप्लायर ने टैक्स की भुगतान की हो द सप्लायर शूड हैव पेड द टैक्स ऑन द सप्लाई ऑन विच यू आर टेकिंग द क्रेडिट अगर उसने टैक्स नहीं भरा है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी रिसिपियंट को क्रेडिट नहीं मिलेगी चाहे रिसिपियंट ने सप्लायर को पूरी कीमत दे भी दी हो उसको टैक्स भी दे दिया हो बट उसने अगर टैक्स नहीं भरा जो टैक्स ड्यू उसने बताया है अपने रिटर्न में वो टैक्स उसने अगर नहीं भरा रिसिपेंट को क्रेडिट नहीं मिलेगी एंड लास्टली द रिटर्न शुड हैव बीन फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39 आपका रिटर्न भी प्रॉपरली टाइम पे एज पर लो आपने भरा फाइल uh, किया हुआ तो ये जो तीसरी कंडीशन है सप्लायर की वो तीसरी कंडीशन आई नो इट इज़ गोइंग टू हीट एवरीबॉडी